जायंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत के सम्मान में डगआउट में उनकी जर्सी टांग रखी थी, लेकिन बीसीसीआई को दिल्ली कैपिटल्स द्वारा किया गया ये कृत्य बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और बीसीसीआई के एक अधिकारी के अनुसार उन्होंने अपनी नाराजगी बड़ी विनम्रता से दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट को बता दिया है। बीसीसीआई के अधिकारी के अनुसार ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि या तो खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है या तो उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और वो आगे क्रिकेट नहीं खेल सकते। मगर ऋषभ पंत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पंत तो बिल्कुल ठीक है और वो तेजी से सुधार कर रहे हैं और जल्द ही मैदान पर वापसी भी करेंगे। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स द्वारा किया गया ये कृत्य ऋषभ पंत के सम्मान के लिए था, मगर देखने से ये महसूस हो रहा था कि मानो किसी खिलाड़ी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हो और वो अब क्रिकेट नहीं खेल सकता, जिस कारण हमने अपनी नाराजगी दिल्ली कैपिटल्स को बता दी है और उनसे आग्रह किया है कि आगे ऐसे इशारे देने से बचे। माना ये जा रहा है कि ऋषभ पंत को ऐसे सम्मान देने के पीछे दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग का हाथ है। ऋषभ पंत और रिकी पॉन्टिंग के अच्छे रिश्ते से हर क्रिकेट प्रशंसक वाकिफ है और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी ऋषभ पंत रिकी पॉन्टिंग के ही सलाह पर बनाए गए थे। इन खबरों के बीच ये भी खबर सामने आ रही है, आईपीएल के दौरान किसी एक मैच में ऋषभ पंत की जर्सी नंबर 17 को अपनी जर्सी पर लगाएंगे। हालांकि ये नंबर उनकी जर्सी नंबर की जगह नहीं बल्कि जर्सी पर और कहीं लिखा होगा। अब बस दिल्ली कैपिटल्स को बीसीसीआई की मंजूरी का इंतजार है। अगर उन्हें ये मंजूरी मिल जाती है तो फिर दिल्ली ये कार्य ऋषभ पंत के सम्मान में करेगी। आज के अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।